रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र में आ रही बिजली सहित अन्य समस्याओं को लेकर कमांडो सेना प्रमुख अरुण गौतम के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विद्युत कार्यालय त्योंथर का घेराव किया एवं मुख्य कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग अल्पा ठाकुर को इन समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में क्षेत्र में जले ट्रांसफार्मर को जल्द बदलने की मांग की गई है, साथ ही आवारा पशु सहित अन्य समस्याओं के बारे में अवगत कराए। वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्द से जल्द समस्या निराकरण करने का आश्वासन दे दिया है। के जो अभी मैं 2021 से कंटिन्यू संघर्ष कर रहा हूं और मेरा जो मांग है, जो वर्तमान में बिजली की स्थिति इतनी दयनीय है कि किसान न तो किसानी कर पा रहा है, विद्यार्थी न तो पढ़ाई कर पा रहा है और आम जनमानस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो बिजली का एक गंभीर समस्या है। दूसरा हमारा जो मांग है, हमारा मांग है पानी का, जो 3.5 करोड़ की लागत से टंकी तैयार की गई है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, परंतु उस 3.5 करोड़ का लाभ हमारे ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वह टंकी बनाई गई थी, क्योंकि उसमें पानी नहीं है। वह 3.5 करोड़ का जो बोझ है वो कौन झेलेगा, वो हम ही लोग झेलेंगे। तीसरा मुद्दा हमारा है आवारा पशु, जो बेसहारा पशु हैं इनका मुद्दा है। बेसहारा पशुओं को कोई सहारा नहीं है, क्योंकि किसान यदि बेसहारा पशुओं पर लगाम लगाता है तो उनको खिलाएगा क्या? जब हमारे को बिजली नहीं मिल रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, अनाज नहीं पैदा कर पा रहे हैं, भूसा कैसे होगा, कैसे उनको वो कंट्रोल कर सकती है? तो मेरा जो मध्य प्रदेश सरकार से मांग है, पहले हमारे जो बोलते हैं 18 घंटे में बिजली देता हूँ, तो 18 घंटे बिजली हमको न देकर 10 घंटे कृषि के उपयोग के लिए बिजली फुल वोल्टेज के साथ दें, और जो 24 घंटा घरेलू उपयोग के लिए बोलते हैं 24 घंटे के बजाय 18 घंटा दें, परंतु फुल वोल्टेज के साथ बिजली दें। जो आवारा पशु हैं इस पर वो अभ्यारण्य की व्यवस्था करवाएं, या तो और उनके पास जो गौशालाएं हैं जिसमें 10 मवेशी हैं परंतु 150 का बिल वसूला जाता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, उस पर कंट्रोल किया जाए। जो 3.5 करोड़ की लागत से टंकी बनाई गई है, उसमें टंकी का प्रदर्शनी हमको नहीं देखना है, हमको पानी चाहिए। आज के अगर कोई नाले का पानी पीता है तो दुख की बात है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।